सभी को मेरा नमस्कार। और कई बार हम आत्मा के बारे में सोचते हैं, सोचना भी चाहिए। बहुत सारे सवाल हमारे जहन में उठते हैं। आत्मा का सफर नया विचार नहीं है, गीता सार हम सभी पढ़ते हैं। आत्मा न पैदा होती है न मरती है, फिर ये कितना लंबा सफर तय करती है। बहुत सारे सवाल हैं हम सभी के जहन में, जिनका जवाब देने के लिए आज मेरे साथ इस लाइव सेशन में है ब्रह्म कुमारी उषा दीदी। उषा दीदी मेरा नमस्ते आपको। आप नमस्ते, ओम माउंट आबू में, शांति। ओम शांति, आप माउंट आबू में रहती हैं लेकिन अभी किसी काम के सिलसिले में आप टूर पर हैं, लेकिन तकनीक एक ऐसा माध्यम है जो हमें जोड़ रही है। इस तकनीक का बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ हैं हमसे बातचीत करने के। धन्यवाद आपको। सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये मैं पूछना चाह रही थी कि आत्मा की उम्र कितनी लंबी होती है? क्या ये शरीर के साथ खत्म होती है या एक नया सफर फिर से शुरू करती है? ऐसा है, आत्मा की उम्र तो होती नहीं है, क्योंकि आत्मा को कहा ही गया है अजर अमर अविनाशी शक्ति है। तो इसीलिए जो अजर अमर अविनाशी शक्ति है उसकी उम्र कैसे हो सकती है? परंतु चोला बदली जरूर करते हैं, जैसे हम सभी वस्त्र बदली करते हैं, ठीक इसी तरह आत्मा भी एक चोला छोड़ दूसरा चोला धारण करती है। तो वस्त्र चेंज जरूर होता है, लेकिन आत्मा की उम्र उससे खत्म नहीं होती है। शरीर की उम्र होती है, शरीर बुजुर्ग हुआ या शरीर काम करने योग्य नहीं रहा तो नेचुरल है कि आत्मा सोचती है कि अभी नया वस्त्र धारण करने का समय आ गया है। और इसीलिए फिर आत्मा एक शरीर छोड़ करके, एक चोला छोड़ करके अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती है और दूसरा चोला धारण करती है। तो इसीलिए आत्मा की उम्र नहीं है, शरीर की उम्र जरूर कहेंगे। एक शब्द आता है कहीं कई बार पढ़ने में कि बूढ़ी आत्मा यानी ओल्ड सोल, तो क्या पहचान है ये ओल्ड सोल की? कुछ स्पेसिफाई ऐसी आदतें होती हैं जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखती हैं? कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं ओल्ड सोल को? ओल्ड सोल माना शरीर बुजुर्ग हुआ है, तो इसीलिए कहेंगे उसके कारण अगर किसी ने कह दिया कि भाई ये ओल्ड सोल है। या दूसरा जो माध्यम है जिसके कारण कहते हैं कि ओल्ड सोल, तो वास्तव में देखा जाए तो आत्मा कई जन्मों से जब चोला बदलती रहती है तो नेचुरल है कहेंगे कि हाँ ये आत्मा कई जन्मों की चल रही है इस यात्रा में। तो पुरानी, वैसे आत्मा पुरानी होती नहीं है, लेकिन कई बार कई लोग शब्द यूज कर लेते हैं। बाकी आत्मा कभी भी पुरानी नहीं होती। हाँ, शरीर पुराना होता है, लेकिन आत्मा हमेशा ही, अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो आत्मा हमेशा ही, उनके अंदर अथाह शक्ति है, अथाह क्षमता है, और वो इसीलिए हमेशा कार्यरत रहती ही है। शरीर बुजुर्ग हो गया, इंद्रियां शिथिल हो गई, तो उस कारण से वो कार्य नहीं कर सकते है शरीर के माध्यम से, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो जीवन के अंदर आत्मा में इतनी शक्ति और क्षमता है, तभी तो वो चोला बदली करती है, क्योंकि उसको स्पेस चाहिए, उसको स्थान चाहिए जहां रह करके वो कार्यरत हो सके। इसीलिए जो है वो चोला बदली करती है, और नया चोला जब धारण करती है तो नेचुरल है कि उसके अंदर वही उमंग उत्साह फिर से आ जाता है कि जो वो करना चाहती थी, जो उनकी चाहना थी, उस अनुसार वो आगे अपनी यात्रा में उस कार्य क्षमता को वापस विकसित करके आगे कार्य करती है। जी, मतलब हम जो जीवन जी रहे हैं या जो जीवन जी रहे होते हैं
वो जो विचार हैं हमारे या वो जो कर्म हैं वो प्रारब्ध के ही प्रभाव से हम फिर से शुरू करते हैं उन कार्यों को करना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो हमने कर्म किया है तो आत्मा के साथ वो प्रारब्ध बनता जाता है, और जैसे ही वो प्रारब्ध के रूप में है तो नेचुरल है जो नेक्स्ट जन्म लेती है आत्मा उसी प्रारब्ध के हिसाब से वो वही जन्म फिक्स करती है। और अभी एक बहुत पावरफुल स्टडी जो बाहर आई है, वो हमारे पास एक बहन आई थी अमेरिका से, वो एक्चुअली डॉक्टर है, और उसने एक बात बहुत अच्छी शेयर किया हम लोगों के साथ, जो वहां का नया रिसर्च होता है हर साल जब भी वो आती है वो शेयर करती है। तो वो जो है वहां पर एक डॉक्टर्स के टीम में है, और उस टीम के लोग जो है रिसर्च करते हैं आत्मा की जर्नी के विषय में कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाती है। तो जो लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं और हिप्नोटाइज करके उनको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसीलिए जब उनको काफी लोगों को हिप्नोटाइज करके आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस वाले जो थे उनको ये सवाल जरूर पूछते हैं हिप्नोटाइज करके, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब ले जाते हैं, तो कई लोगों को ये सवाल पूछा कि आपने शरीर छोड़ने के बाद कहां गए थे, क्या कोई भगवान जैसी चीज है जिसके पास आप गए और उन्होंने आपके कर्मों का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया और फिर आपको इस संसार में भेज दिया, क्या होता है। तो मेजॉरिटी ने ये बात कही कि शरीर छोड़ने के बाद हम जाते हैं, एक डार्क टनल से गुजरते हैं और एक लाइट को मिलते हैं, और जैसे ही उस लाइट को मिलते हैं शायद, उन्होंने कहा शायद यही भगवान था। का कैसे पता चला कि यही भगवान था, तो क्योंकि वो बहुत प्यार बरसाते हैं, खूब प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं जो हमें वहां से आने का मन नहीं करता है, हम उस प्यार में ही समाए रहना चाहते हैं, तो फिर क्यों आए। तो कहा कि इसीलिए कि जब हम उसके पास होते हैं इतना प्यार हमें मिलता है, इतना प्यार हमें मिलता है कि उसमें ऐसा लगता है कि हमारा एक शुद्धिकरण हो रहा है, हम प्यूरिफाइड जैसे हो जाते हैं, ऐसी फील होता है। उसके बाद क्या हुआ, वो आपको कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो आपको सजा देते हैं, क्या करते हैं। कहा नहीं, वो प्यार ही बरसाते हैं, इसीलिए कहा कि शायद वह भगवान था। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो कहा उसके बाद जो है हमारे सामने हमारे इस जन्म की पूरी एक रील, फिल्म के रील की तरह आ जाती है, और जैसे ही वो रील हमारे सामने से गुजरती है तो एक एक कर्म जो हमने किए होते हैं वो सारे कर्म हमारे सामने आते हैं, और उन कर्मों को देख करके हमें एक आत्मग्लानि महसूस होती है, क्या ये कर्म मैंने किए, इतने बुरे कर्म किए, इतने लोगों को कष्ट पहुंचाया, दुख दिया, ये सब बातें हमारे सामने आती है। उसके बाद क्या होता है, तो कहा उसके बाद हम सोचते हैं कि जिसके साथ भी हमने अन्याय किया, जिसको भी हमने तकलीफ दिया, दुख दिया, उनको हम सुख देके आते हैं, उनका हिसाब चुका के आते हैं, और इसीलिए हम पुनः इस संसार में आते हैं। लेकिन संसार में सीधा जन्म नहीं लेते हैं, हम ऊपर विश्व की स्तर सतह पर हम देखते हैं कि कहां हम जन्म लेने से जिन जिन को हमने तकलीफ दिया उनके साथ हम न्याय कर सके। हम अपने पेरेंट्स को चूज करते हैं, हम अपने आसपास के माहौल जो होगा उन सबको चूज करते हैं, उसके बाद हम होनी को फाइनल करते हैं कि ये कर्म को चुकाने के लिए कौन सी होनी या कौन सी जो घटना है वो होनी चाहिए जिससे
वो हिसाब मेरा चुकतू हो जाए, तो उस होने को फाइनल करते हैं। और उस होने, तभी तो कहा जाता है कि होने को कोई टाल नहीं सकता है, होने टलती नहीं है, क्योंकि वो हमने ही फाइनल किया हुआ होता है कि मुझे इस कर्मों का हिसाब कैसे चुकाना है। उसके बाद हम उस माँ बाप के पास जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेने से पहले हम अपने जन्मदिन और मृत्यु का दिन दोनों को फाइनलाइज करते हैं। जन्म को भी फाइनलाइज करते हैं, मृत्यु को भी फाइनलाइज करते हैं कि हमें भाई इतना समय चाहिए ये सारा हिसाब चुकाने के लिए। और वो सारा हिसाब चुकाने के साथ साथ ये होनी होगी जिस कारण से मेरा मृत्यु होगा, और मुझे 50 साल चाहिए या 60 साल चाहिए या 15 साल चाहिए या 5 साल चाहिए, कितना साल चाहिए वो साल भी हम फाइनलाइज करते हैं। इसमें भगवान का रोल कहां भी नहीं है। हम अपने कर्म अनुसार सारी होनी को फाइनल किया, आयुष्य को फाइनल किया, जन्म और मृत्यु किस तरह से होगी हमारी वो भी हम फाइनल करते हैं, उसके बाद हम जन्म लेते हैं। फिर उसको पूछा गया कि क्या आपको याद रहता है जो आपने फाइनलाइज किया है, वो सब बातें आपको याद रहती है? कहा 2 साल तक हमें बहुत अच्छे से स्मृति रहती है जन्म लेने के बाद। 2 साल तक हम भले छोटे ऑर्गन्स होते हैं, छोटा शरीर होता है, लेकिन हमें बहुत अच्छे से याद रहता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए आए हैं। और इसीलिए जो ऐसे लोग हैं जिनको हमने दुख दिया है, कष्ट पहुंचाया है, वो जब भी हमारे सामने आते हैं हम उनके सामने मुस्कुराते हैं, हम उनको सुख देने का प्रयत्न शुरू कर देते हैं, उनको हम खुशी देते हैं, उनके सामने मुस्कुराते हैं, और वो सचमुच उस सुख का अनुभव करते हैं और हमें दुआएं देना शुरू करते हैं। और इस तरह से 2 साल तक हमें बहुत अच्छे से, लेकिन जैसे ही हमारी वाचा शुरू होती है उसके बाद सब विस्मृत होना शुरू हो जाता है, उसके बाद हमें याद नहीं रहता है। और उसके बाद जो है कर्म बंधन हमारा शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें विस्मृत हो गया, इसीलिए कुछ कर्म ऐसे भी वापस शुरू कर देते हैं कि जिस कर्म के कारण हमें अंदर में आता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि ये फाइनलाइज तो हमने ही किया है। और इसीलिए जो है हमारे सामने कई सवाल होते हैं और वो सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन वो सब कुछ फाइनलाइज हमने ही किया होता है। तो ये अभी एक बहुत बड़ा रिसर्च सामने आया है कि भगवान फाइनलाइज नहीं करते हैं, हमारा अपना ही कर्म और उसका प्रारब्ध के आधार से हम आत्माएं खुद अपनी जर्नी को आगे के लिए फाइनलाइज करती है। बहुत ही सुंदर रिसर्च से आपने हमें रूबरू करवाया है। और एक सवाल हमारे पास आया है इसी बीच, विश्व नारायण बोहरा जी पूछ रहे हैं कि ध्यान और माला फेरने में क्या फर्क है? ध्यान और माला फेरने में अंतर है। क्या अंतर है? तो ध्यान माना जब हम फोकस्ड हो जाते हैं, अपने मन को एकाग्र कर देते हैं, और उस समय हमारे मन के अंदर कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ थॉट्स नहीं होते हैं, लेकिन हम ध्यान के अंदर आत्मचिंतन भी करते हैं, परमात्म चिंतन भी करते हैं, वैरायटी थॉट्स होते हैं ध्यान के अंदर। लेकिन जब माला फेरते हैं तो एक पर्टिकुलर मंत्र लेकर के फेरा जाता है। मान लो कि किसी ने मंत्र लिया हो माला फेरने के लिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करता जाता है व्यक्ति। अब ओम नमः शिवाय का लिटरल मीनिंग है ओम यानी अहम आत्मा, नमः माना मैं नमन करता हूं शिव को, तो ओम नमः शिवाय माना मैं शिव को नमन करता हूं।
अब इंसान नमन करता नहीं है, माला फिर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस, इट्स अ मोनोटोनस प्रोसेस। लेकिन ध्यान में हम एक सेट ऑफ विचारों को लेकर के नहीं चलते हैं। ध्यान माना हमारे सामने एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य के कारण जो है हम उसी के आधार से हम ध्यान में अपने मन को एकाग्र करते हैं, जहां ईश्वर का स्वरूप हमारे सामने होता है, और उस ईश्वर के स्वरूप को सामने रखते हुए हम अपने मन को उस दिव्य स्वरूप पर एकाग्र करते हैं। तो ये अंतर है कि ध्यान में व्यक्ति चाहे कोई भी मंत्र ले ले, कोई भी फ्रेज ले ले, लेकिन सबसे पहली बात वो उस फ्रेज को समझे कि मैं जो बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा, और उस अनुसार मेरा कर्म है। ओम नमः शिवाय, मन मैं शिव को नमन करता हूं, तो हर दाने पर जितना दाना वो फेरे उतनी बार नमन करना होता है। लेकिन एक मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, वो समझता है कि मेरा मन कहीं जाए नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही कोई चीज की एक आदत पड़ जाती है तो मुख बोलता जाता है, लेकिन मन कहीं ना कहीं बाहर भटकता है ना। तो इसीलिए मन, ह्यूमन माइंड के लिए कहा जाता है, ह्यूमन माइंड इज हाइपर क्रिएटिव, इतना रचनात्मक है, और इसीलिए उसको हमेशा रचनात्मक विचार ही चाहिए। और अगर उसको हम रचनात्मक विचार नहीं दे रहे तो क्या करेगा? इधर उधर की बातों को उठाना चालू करेगा, कभी उसका चिंतन, कभी फलाने का चिंतन, कभी उसका चिंतन, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। जैसे कई बार हम घरों में देखते हैं कई माताएं माला फेर रही होती है, ओम नमः शिवाय का नाम जाप भी कर रही होती है, लेकिन उतने में अगर वहां से बिल्ली क्रॉस होती है तो फिर आवाज भी लगाती है बच्चों को, वो बिल्ली आई देखो किचन में जा तो नहीं रही है, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चालू करती है। तो इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस, और उसमें अगर उनका ध्यान किचन में बिल्ली गई या नहीं गई, किचन में कुछ चीज खुली रखी पड़ी है उसके तरफ उसका ध्यान है, तो ईश्वर के तरफ तो ध्यान नहीं है ना। तो ध्यान माना ही जहां और कोई बात ना हो मन के अंदर, ध्यान लग जाए। जैसे एक व्यक्ति किसी अपने प्रिय व्यक्ति की याद में खो जाता है, और जब उस व्यक्ति की याद में खो जाता है, आंखें खुली है, बैठा है, एक टक होकर के वो ध्यान में है उस व्यक्ति के, पास में से कोई गुजर जाता है और उसको पूछा जाए यहां से कोई गया तो क्या कहते, मेरा ध्यान नहीं था। ध्यान माना जहां आपको दूसरा कुछ भी सूझे नहीं, जहां आपको दूसरा कुछ भी दिमाग के अंदर विचारों में आए नहीं, उसको कहते हैं ध्यान, है ना। तो ध्यान और माला में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, अगर माला फेरते समय ध्यान हमारा लगा हुआ हो तो उसको माला फेरना नहीं कहेंगे, उसको ध्यान ही कहा जाएगा। आपने बहुत ही खूबसूरती से माला और ध्यान का अंतर समझाया जी। आई एम श्योर कि विश्व नारायण जी को बिल्कुल उन्होंने चरण वंदन लिखा है। तो जी, अब मैं फिर से उस सवाल की तरफ जाती हूँ। तो आपने अभी बताया था कि हम अपनी जीवन को खुद ही लिखते हैं, हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्मों के उसमें। तो कई बार दीदी ऐसा होता है कि कुछ लोगों से हम मिलते हैं तो मन में उत्साहित रहते हैं जबकि हम उन्हें जानते नहीं हैं, और कई बार हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं कि बिना ही कारण हमें एक अजीब सा क्रोध भी रहता है और हमें लगता है कि अगर हम इनसे ना मिले तो ही ठीक है। तो ये क्या कारण होता है इस चीज का कि हैं दोनों ही हमारे लिए अनजान, लेकिन एक के प्रति प्रेम है और दूसरे के प्रति घृणा या नफरत कह सकते हैं, वो आ जाती है। उसका कारण ये है कि आत्मा जो है वो एनर्जी सेंस करती है,
उसका सेंसर बहुत पावरफुल है। ये शरीर एक लिमिटेशन है उसके लिए, शरीर में जब आ जाते हैं तो लिमिटेशन है जरूर, लेकिन आत्मा का अपना सेंसर बहुत पावरफुल है। और इसीलिए जहां आत्मा खुद अपने आप में सात्विक स्वभाव वाली है, तो नेचुरल है कि जो सात्विक प्रकृति के लोग उसके सामने आते हैं, उनके तरफ न चाहते हुए भी एक मन में रिस्पेक्ट भी होगा, आकर्षण भी होगी, या उनके तरफ अच्छा लगता है, उनका सानिध्य भी अच्छा लगता है। परंतु अगर हम सात्विक है और सामने कोई तामसिक प्रकृति का व्यक्ति आता है, जैसे गीता के दूसरे अध्याय में ये बात बहुत अच्छे से कही है कि हर आत्मा अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करती है, तो ये तीन प्रकृति है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो हमारी प्रकृति है, अगर सामने वाले की वो प्रकृति नहीं है, वो तामसिक प्रकृति का व्यक्ति है, तो उसके आने से भी हमें एक डर की फीलिंग भी आएगी या एक भय महसूस होने लगेगा कि कहीं ये मेरे साथ ठीक रहेगा या कुछ गुस्सा करेगा या कुछ भी। तो इसीलिए जब तामसिक प्रकृति का व्यक्ति सामने आता है और हमारी प्रकृति उसके साथ मैच नहीं होती है, तो नेचुरल है हमें महसूस होता है ये व्यक्ति क्यों आया, है ना। इसी तरह जो तामसिक प्रकृति का व्यक्ति है, वो तामसिक प्रकृति के व्यक्ति के साथ ही कंफर्टेबल फील करता है। उसके सामने भी अगर कोई सात्विक प्रकृति का व्यक्ति चला जाता है, तो नेचुरल है वो हाई फ्रीक्वेंसी कहेंगे, हाई पावर कहेंगे, तो वो उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता है। वो सोचता है कि इससे तो बेटर है मैं यहां से चला जाऊं। तो दोनों के मन के अंदर ये भावना आती है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। इसीलिए व्यक्ति वही कंफर्टेबल होता है जिसकी जैसी प्रकृति होती है। आज देखो, एक क्लास में भी 50 स्टूडेंट होते हैं, हर एक की दोस्ती हर एक के साथ नहीं होती है, और आप देखेंगे कि वो बच्चे वही संग में चले जाएंगे। अगर तामसिक प्रकृति वाला बच्चा होगा तो उसी प्रकृति वाले बच्चे के पास वो अट्रैक्ट होता है, उन्हीं के पास चला जाता है और उनका एक ग्रुप बन जाता है, जो फिर हमेशा बुरे कर्म करने में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। इसीलिए तो संघ का प्रभाव कहा है। अब दूसरे बच्चे को तो वो संघ ने आकर्षित नहीं किया, उसी बच्चे को क्यों आकर्षित किया? तो क्योंकि वो प्रकृति एक जैसी है, और इसीलिए वो लाइक प्रकृति वाले जो होते हैं वो एक दूसरे के समीप सहजता से आ जाते हैं। तो सात्विक प्रकृति जिसकी है, उसको सात्विक संघ ही अच्छे लगते हैं, सात्विक लोगों के प्रति रिस्पेक्ट होता है, और तामसिक प्रकृति को तामसिक प्रकृति वाले लोग ही अच्छे रहते हैं। जी, कई बार हम देखते हैं कि अंदरूनी खुशी जो होती है, एक आत्मिक आनंद में हम रहते हैं, बाहर परिस्थितियां कैसी भी हो, और कई बार परिस्थितियां बहुत अनुकूल होती हैं, लेकिन अंदर से हमें खुशी नहीं मिलती है। इसका क्या कारण है? क्या ये भी एक आदत होती है जिसे हम पिछले जन्म के सफर से लेकर आ रहे हैं? हाँ, जरूर है, क्योंकि खुशी का आधार या उदासी का आधार भी कहीं ना कहीं कर्म है। और इसीलिए जहां व्यक्ति का कर्म, कोई अच्छे कर्म उदय होते हैं, तो वहां उसको पॉजिटिव सिग्नल्स भी मिलती है, पॉजिटिव फीलिंग्स भी उत्पन्न होती है। खुशी कहो, आनंद कहो, उमंग कहो, उत्साह कहो, ये सब अपने आप फीलिंग इमर्ज होने लगती है। और जब व्यक्ति के कर्म जो है, अगर बुरे कर्म का उदय होने लगता है, तो नेचुरल है कि उसको उदासी, गम, ये सब बातें भी स्वाभाविक रीति से उत्पन्न होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब ऐसी फीलिंग्स उत्पन्न होती है, खुशी की उत्पत्ति होती है, तब तो व्यक्ति बहुत खुश होता है। लेकिन जैसे ही आप देखो कि भाई कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लो फील कर रहे हैं, मूड ऑफ हो रहा है, या उदासी आ रही है, दिल शिकस्तपना आ रहा है, तो उस समय कोई ना कोई अच्छा कर्म करने का प्रयत्न करो।
जैसे दुनिया में भी कई लोग कहते हैं कि भाई आप अपने जीवन के अंदर लो फील कर रहे हैं, दान करो, भगवान का नाम लिखो, ये करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मतलब जब व्यक्ति का पुण्य क्षीण हुआ है तब वो लो फील करना, जैसे बैटरी लो हो गई तो ब्लिंक करना चालू करती है कि भाई मेरे को चार्जिंग में लगाओ। तो ठीक इसी तरह आत्मा की बैटरी भी लो फील क्यों कर रही है कि भाई चार्जिंग थोड़ा कम होने लगा है, तो उस समय कहेंगे भाई आप भगवान का नाम लिखो, नाम लिखो, दान करो, पुण्य करो, ये करो, मंदिर जाओ, अच्छा फील होगा। माना ये सब चार्जिंग करने की बात होती है। और इसीलिए जैसे ही आप कुछ अच्छे माहौल में, अच्छी जगह पर जाते हैं, आत्मा की वो चार्जिंग हो जाती है, कुछ अच्छे कर्म करना शुरू कर दिया तो चार्जिंग होना शुरू हो गई, तो नेचुरल है वापस वो लो फीलिंग से हाई फीलिंग के तरफ जाते हैं। लेकिन एक बार अगर गया व्यक्ति तो उसको समझ जाना चाहिए कि मुझे अब कितना समय, भाई एक बार मंदिर जाके आए तो कितना चार्जिंग होगा, उस एटमॉस्फेयर में गए कितना चार्जिंग हुआ। इसलिए कई लोगों ने नियम बना दिया रोज मंदिर जाना है, भले ध्यान लगे ना लगे लेकिन रोज जाना है। क्यों जाना है? ताकि उस सात्विक वातावरण में जाने से भी, जैसे आजकल तो मोबाइल चार्जिंग ऐसे आए हैं कि आप उस के ऊपर रख दो खाली, कोई वायर कनेक्ट करने की भी जरूरत नहीं होती है, वहां रख दो उसके ऊपर या उसके बाजू में भी रख दो तो चार्जिंग हो जाता है। ठीक इसी तरह है ना, माहौल जैसा होता है वैसे हमारी आत्मा की शक्ति ड्रेन भी होती है तो चार्ज भी होती है। इसीलिए जितना व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसकी चार्जिंग बहुत अच्छे से होने लगती है, ये स्वाभाविक है जी। और जैसे अगर हम संघर्षशील जीवन की बात करते हैं तो अगर हम खुद ही अपना जीवन लिखते हैं तो क्यों हम उतने संघर्ष उसमें लिख देते हैं कि उन संघर्षों को करते हुए हम इतना ड्रेन्ड हो जाते हैं, कई बार लो फील करते हैं। और तो उनके लिए ये कहा जाता है कि ये संघर्ष इसीलिए लिखे हैं कि उनमें वो ताकत होती है कि उसको वो बेहतरीन अंजाम दे सकते हैं। इसका जवाब भी कई जगह हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो क्यों हम अपने लिए इतने संघर्ष लिख लेते हैं? ऐसा है कि संघर्ष में ही व्यक्ति को एक शक्ति का स्रोत मिलता है। कहा जाता है कि हर अपॉर्चुनिटी जीवन के अंदर तभी आती है जब चैलेंजेस होते हैं। अगर चैलेंजेस ही ना हो तो अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आएगी नहीं। तो इसीलिए हर चैलेंज जो है एक अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन अगर उस तरफ हम गए, उस रास्ते को अपना लिए, उन सिग्नल्स को समझते हुए उस रास्ते को, भले वो कठिनाई वाला रास्ता है थोड़ा, तो उस समय अगर वो रास्ता फिर भी व्यक्ति अपना लेता है तो वहां उसको सुनहरा भविष्य भी मिलता है और उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन ऐसे समय पर, चैलेंजेस के समय पर कई लोग शॉर्टकट अपनाने का प्रयत्न करते हैं, तो जहां वो शॉर्टकट वाला रास्ता लेते हैं तो नेचुरल है अपॉर्चुनिटी तो चली जाती है, लेकिन एक थ्रेट सामने आ जाता है और तब व्यक्ति सोचता है कि भाई ये संघर्षों के कारण मेरा जीवन हमेशा संघर्षों भरा रहा, मुझे कोई प्राप्ति नहीं हुई, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन वास्तव में उसका कारण है कि उसका चॉइस गलत था। सारा जीवन के अंदर चॉइसेस के ऊपर आधार रहता है कि हम अपने जीवन में कौन सा चॉइस करते हैं। संघर्षों से व्यक्ति जब डर जाता है तो शॉर्टकट का रास्ता अपना लेता है और शॉर्टकट का रास्ता जो है स्मूथ लगता है इनिशियली, लेकिन बाद में जो डिफिकल्टीज है, बाद में जो उसको संघर्ष करना पड़ता है, तब उसको लगता है मेरी लाइफ में बस और कुछ लिखा ही नहीं है, यही है। लेकिन जो चैलेंजेस के वक्त अगर रास्ता कठिन नजर आता है तो वो रास्ता कठिन है, इनिशियली थोड़ा संघर्ष होगा लेकिन बाद में शायद बहुत स्मूथ ड्राइव भी होगी। तो इसीलिए शॉर्टकट, मैं तो यही कहती हूं लोगों को, ये शॉर्टकट अपनाने वाला मेंटालिटी जो है वो खत्म करो, लेकिन राइट चॉइस हमेशा अपने जीवन के अंदर करो कि राइट चॉइस मेरे जीवन के लिए क्या है,
राइट चॉइसेस करते समय घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से उसको एम्ब्रेस करते चलो और बहुत सुंदर कर्म करते चलो, तो देखो आपको बहुत सुंदर भविष्य महसूस भी होगा और वो संघर्ष फाइनली आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को भी खोल देगा। वो ऐसे ही होगा जैसे सिमसिम दरवाजा खुल जा और वो भाग्य के कई द्वार खोल देते हैं। बाद में हमें लगता है कि वाह अच्छा किया मैंने वो रास्ता नहीं चुना था, ये रास्ता चुना था, वो तभी महसूस होता है। और जो इनिशियली शॉर्टकट देखते हुए स्मूथ देखते हुए उसको चॉइस करते हैं, बाद में वो रिग्रेट ही करता है और वो यही सोचता है उससे तो मैं वो रास्ता लेता था ना तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती थी। इसीलिए व्यक्ति हमेशा राइट चॉइस करे, यही हमारी एक शुभ भावना है। और इनिशियली थोड़ा कठिन महसूस होगा लेकिन आगे की लाइफ की यात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। जी आखिरी दो सवालों को लेते हुए भी नीलिमा टिकू पूछ रही हैं कि सत्कर्म करना क्यों जरूरी है जीवन में? भाई बैंक बैलेंस बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है? आज दुनिया में भी लोग जो भी काम करते हैं क्यों करते हैं? लाइफ के अंदर बैंक बैलेंस चाहते हैं, तो इसीलिए सत्कर्म इसीलिए करना जरूरी है कि आत्मा का जो बैंक बैलेंस है वो भी बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस तरह व्यक्ति के पास अब अगर बैंक बैलेंस होगा तो लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, अगर बैंक बैलेंस नहीं होगा तो नेचुरल है कि हर बात में उसको सोचना पड़ेगा, कुछ खरीदना चाहते हुए भी खरीद नहीं पाएंगे, कुछ एंजॉय करना चाहते हुए भी कर नहीं सकेंगे क्योंकि इतना पैसा ही नहीं है। तो इसीलिए सत्कर्म वो बैंक बैलेंस को बढ़ाता है और जितना व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस होगा तो उसकी लाइफ बहुत अच्छे से गुजरेगी। जो आनंद का अनुभव करना चाहता है उसको बहुत अच्छे से कर सकेगा। तो इसीलिए वो तो कहा जैसे कहा चॉइस अपने ऊपर है कि हमें अपने लाइफ के अंदर बैंक बैलेंस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, सत्कर्म नहीं करो। जी आखिरी सवाल के तौर पे अभी जो कोरोना का मुश्किल समय पूरी देश दुनिया में चल रहा है तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि देखो समय प्रति समय चीजें तो आती रहती है। कहा जाता है कि 1914 में भी एक पैंडेमिक सारे विश्व के अंदर आया था जिसको लोगों ने स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना था, लेकिन उस समय कोई मोबाइल नहीं थे लोगों के पास। शुक्र करो कि आज लोगों को अगर होम क्वारंटाइन करते हैं या आइसोलेशन में रखा जाता है तो कम से कम फिर भी दुनिया के साथ जुड़ने के लिए उसके पास साधन है। आप सोचो 1914 में जब ये पैंडेमिक हुआ था और आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में लोगों को रखा था और उनके पास ये साधन भी नहीं थे, तब उनकी हालत क्या हुई होगी। तो इसीलिए समय प्रति समय एवरी 100 ईयर्स कुछ ना कुछ होता जरूर है संसार में, लेकिन डरने के बजाय उदास होने के बजाय हमें अपने जीवन के अंदर सावधानी कैसे बरतनी है ये समय हमें सिखाता है। कुछ चीजों का कुछ नियमों का हमने जीवन में उल्लंघन किया है और जब उल्लंघन होता है तो नेचुरल है समय पाठ पढ़ाता है, व्यक्ति को महसूस कराता है कि आप सब कुछ नहीं हो, कुछ चीजें ऐसी है जो उससे भी ऊपर है। तो इसीलिए उन पाठ को समझ लेना चाहिए, व्यक्ति को सीख लेना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि ये कोरोना जो चल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं कर्म भी रिस्पॉन्सिबल है, हर एक को नहीं लग रहा है। कई बार कई लोग साथ में रहने के बावजूद भी नहीं लगता है, तो किनको लगता है? अभी मेरे सामने एक बहन थी तो उसको मैंने यही कहा कि देखो आप मानते हो या नहीं मानते हो, उसको कोरोना पॉजिटिव आया, उसको मैंने यही कहा कि देखो आप मानते हो नहीं मानते हो ये मैं नहीं जानती हूं,
लेकिन एक बात जरूर है कि कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, तभी आपको ये कोरोना पॉजिटिव आया। मैंने कहा ये समय है कि आप ईश्वर से भी माफी मांगो और जाने अनजाने पन में किसी को भी आपने दुख पहुंचाया हो, कष्ट पहुंचाया हो, तो आप ईश्वर के सामने यही अपने आप को इमर्श करते हुए कहो कि हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने पन में किसी को भी अगर दुख दिया हो, कष्ट दिया हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और उन आत्माओं से भी कि भाई जाने अनजाने पन में कोई भी जन्म की यात्रा में अगर मैंने आपको कोई कष्ट पहुंचाया है, चाहे पशु पक्षियों को कष्ट पहुंचाया है, तो आप उनसे भी क्षमा मांगो। और जब आप क्षमा मांगेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और देखना उसके बाद आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। उस बहन को जैसे ही मैंने ये बात कही, उसको ऐसे समय में क्या होता है कि हर बात को सुनते हैं, तो उसने दूसरे दिन ईश्वर से अर्ली मॉर्निंग सच्चे दिल से प्रार्थना की और प्रार्थना करके उसने क्षमा मांगी। मैंने दूसरे दिन छोड़ करके तीसरे दिन उसको पूछा, मैंने कहा कैसा लगा? कहा मैं आपको सुनाने वाली थी कि क्षमा मांगने के बाद मैं और जो है उस समय मुझे यही महसूसता हुई कि जैसे कि सचमुच कोई जन्म का ऐसा बोझ होगा हल्का हो गया और बहुत अच्छा महसूस हुआ, लाइट फीलिंग आई। और उसके बाद मुझे लगा मुझे पॉजिटिव सोचना है, उसके पहले इतना नेगेटिव सोच रही थी वो, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि मैंने दृढ़ संकल्प किया कि बस मुझे अभी पॉजिटिव ही सोचना है। मन हल्का हुआ, दिल पर बोसे बोझ जैसे हल्का हो गया, तो उसके अंदर ये फीलिंग आई जो नेगेटिव सोच रही थी, उसने कहा इससे तो मर जाना अच्छा, ये मरने के विचार उसको आ रहे थे, तो उसके बदले उसने कहा कि अब मैंने अंदर में इतनी जैसे शक्ति आ गई हो मेरे अंदर, जैसे ईश्वर ने भी मुझे क्षमा कर दिया, तो ऐसी शक्ति आ गई जो मैंने सोचा कि नहीं मुझे पॉजिटिव रहना है। और आज मैं आपको प्रैक्टिकल कहूं, 10 दिन के अंदर उसका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया और बहुत अच्छा फील कर रही है आज। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण था कि ऐसे समय में कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट्स है, उस कार्मिक अकाउंट्स को चुकाने के लिए क्षमा मांग लेना बहुत जरूरी है। चाहे पशु पक्षी जिसको भी हमने अनजानेपन में दुख दिया है, तकलीफ दी है, तो क्षमा मांग लो। देखो ईश्वर भी क्षमा करता है, वो आत्माएं भी सूक्ष्म में क्षमा कर देती है, और साथ ही साथ आपका मन का बोझ जैसे हल्का हो जाएगा और जो नेगेटिव थॉट्स है वो समाप्त हो जाएंगे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और ये जो है उसको देखते हुए मैं हर एक को ये मैसेज देती हूँ कि आप अपने मन का बोझ हल्का करने का ये तरीका जरूर अपनाओ और देखो उसके बाद कितना अच्छा महसूस होगा। लेकिन एक बात और भी याद रहे कि उसके बाद ये दृढ़ संकल्प जरूर करना है कि आगे से भी हम किसी को कष्ट नहीं देंगे। ये नहीं कि क्षमा मांग लेंगे और पूरा हो जाएगा, नहीं, आगे के लिए भी हम यही एक अंदर में प्रतिज्ञा करें अपने आप से कि आगे से भी मेरे द्वारा जान करके तो किसी को भी मैं तकलीफ नहीं दूंगी। तो इस तरह की जो भावनाएं अगर हम प्रवाहित करेंगे बहुत अच्छा महसूसता होगी। तो इस कोरोना के समय में वास्तव में कोरोना हमें यही कह रहा है, कुछ अच्छा करो ना, किसी के साथ भी बुरा ना करो ना, ठीक है ना? जी जी, बहुत ही सुंदर आपने बात कही कि क्षमा को हम अपना हथियार बना लें जिससे एक हल्कापन हमारे जीवन में रहे। और कोरोना से लड़ने के लिए, इस कठिन समय से लड़ने के लिए बहुत ही आपने सुंदर और बहुत ही पावरफुल और सोलफुल बातें हमसे करी। मैं बहुत
शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बहुत सारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, और मैसेज है हमारे पास विजय गोलचा का कि माय मॉम इज लिसनिंग दिस एंड शी इज वेरी हैप्पी टू लिसनिंग ऑल दिस टू। तो आपने जो समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।